हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। और ये आलू छील ली हूँ मैं, इसे चिप्स बनाने के लिए मैं छीली हूँ। इसमें आप कोई भी चिप्स कटर ले सकते हैं, और मेरे पास इस तरह का कुछ चिप्स कटर था इसलिए मैं इसी में बनाऊँगी। और ये देखिए, इस तरह से आप काटिए आलू को, और इसे घुमा घुमा कर काटना होता है। और इसे दो तीन पानी से अच्छे से धो लीजिए, इसका पूरा साफ पानी जब तक ना आए तब तक इसे धो लीजिए। और इस तरह से घुमा के काटने से इसका अच्छा शेप आ जाता है। और ये हमारा तरीका है बनाने का, मैं इसी तरह से बनाती हूँ इसलिए मैं सोचा आप सबके साथ शेयर करूँ। और इसे मैं धूप में ऊपर छत पे ही बनाती हूँ, गैस पे नहीं बनाती, चूल्हे पे बनाती हूँ। और इसमें नहीं, थोड़ा काटने में दिक्कत आ रही है इसलिए मैं इसे बाल्टी पर रख कर काटूँगी। ये देखिए, बाल्टी पे मैं रख ली हूँ। और इसे अच्छे से इसी तरह से फटाफट कट जाता है इजली, और नीचे गिरते जाता है, बाल्टी में पानी भी है। और इसी तरह से हम जल्दी जल्दी कट जाता है हमारा। और ये लंबा आलू लीजिए या गोल, जो भी शेप आपको देना है, बड़ा या छोटा, इस तरह से आप दे सकते हैं और बना सकते हैं चिप्स। कोई भी डिजाइन का भी आता है कटर, प्लेन भी बना सकते हैं, पर डिजाइन वगैरह कुछ भी अपने अनुसार बनाइए। और इसे अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे वीडियो देखने के लिए। और ये देखिए, मेरा कट गया है, और इसे मैं अच्छे से धो ली हूँ दो तीन पानी से। धोने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा है। धोने के बाद मैं उधर चूल्हे पे पानी रख दी हूँ बॉयल होने के लिए। उधर पानी बॉयल हो रहा था तब तक मैं इधर धो ली और काट ली थी। और ये देखिए, बॉयल हो गया है पानी हमारा। इसे अच्छे से बॉयल हो जाएगा तभी आप इसमें डालें, पूरा अच्छे से इसमें एक उबाल आ जाए। देखिए, एक उबाल आ गया है। और इसमें नमक और हल्का सा सोडा मैं डाली हूँ, और इसमें सारा चिप्स मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद इसे हल्का हल्का घुमाना होता है, नहीं तो अंदर पक जाएगा और ऊपर ऐसी रह जाएगा, इसलिए हल्का हल्का इसको हल्के हाथों से घुमाएं। और ये देखिए, हो गया है। इसमें इसे प्लास्टिक पे फैलाइएगा, और मेरे पास अभी नहीं था इसलिए मैं कपड़े पे फैलाई हूँ, और प्लास्टिक पे जगह ये की टूट जाता है। इस तरह से मैं सारे चिप्स को फैला देती हूँ धूप में। काफ़ी तेज़ धूप लग रही है, और मैं उस टाइम पूरा नहीं दिखा पाई थी इसलिए मैं 2 घंटे बाद आई हूँ, तो इस तरह का सूख गया है सारा। और इस तरह से शाम तक मैं उठाऊँगी इसको। सुबह में मैं इसे 7 बजे करीब फैला दी थी, और शाम को उठाऊँगी, पूरी दिन धूप लगेगा। ये देखिए, शाम हो चुकी है, शाम के 6 बजे हैं, और इस तरह का सूख के कुछ आ गया है, अंधेरा हो गया है इसलिए काला काला दिख रहा है। अभी इसे सारा मैं निकाल लूँगी, इसे सारा मैं निकाल ली हूँ एक बर्तन में, और इस तरह से कुछ दिख रहा है। और इसे मैं अभी तल के भी दिखाऊंगी। पूरे अच्छे से सूख जाने के बाद आप कभी भी तल के इसे खा सकते हैं, पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। मैं तो पूरे साल के लिए रखती हूँ। और ये हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, और इसे फटाफट तल दी हूँ। तल के कभी भी खा सकते हैं आप, कभी भी बना के डिब्बे में एक स्टोर करके रख लीजिए आप। और ये देखिए, तल के रेडी हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, और आप लोग शेयर कीजिएगा ज़रूर, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और भी आगे वीडियो आती रहेगी हमारी। अभी और एक पापड़ बनाना बताऊंगी मैं। हाँ, बहुत पसंद करते हैं आलू का चिप्स, इसलिए मैं बहुत सारा बनाती हूँ।